हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिर्फ 15 दिन के लिए एक कप इसे पी लें, 3 दिन में आपकी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ जो 3 से 4 दिन में आपके घुटनों के दर्द को ठीक कर सकता है। लगभग 2 मिनट के अंदर आप इसे तैयार कर लेंगे। इसको पीने से आपकी कमजोरी, नसों के अंदर आने वाला सुनपन, थकान, सुस्ती या जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट की है, लेकिन इससे बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे, समय भी बच जाएगा। अगर आपके अंदर खून की कमी है, विटामिन और मिनरल की कमी है, इसके अलावा जिनको बीपी बढ़ा रहता है, वो इस ड्रिंक का इस्तेमाल जरूर करें। इसको लेने से आपके अंदर एनर्जी महसूस होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस ड्रिंक को कैसे बनाना है, कितने दिन तक लेना है, कौन कौन सी चीजों का इसमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जो आप पहली चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है गाजर, यानी कि कैरेट। गाजर के अंदर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, जो शिलाजीत की तरह काम करते हैं। शिलाजीत में बहुत पावर होती है और ये गाजर के अंदर भी उतनी ही पावर है, क्योंकि इसके अंदर भी फाइटो न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर आपके अंदर कमजोरी आ गई है, थकान रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, खून की कमी रहती है, तो शिलाजीत जैसे तत्व होने की वजह से गाजर आपके लिए काफी गुणकारी है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए काफी बढ़िया है, इसीलिए ये आपके दिल को हेल्दी रखती है। इसका जो सबसे बढ़िया फायदा और मिलता है, वो है आपकी ये लीवर को डिटॉक्स करता है। कभी कभार क्या होता है, जब आपका लीवर बीमार होने लगता है, या फिर आपके अंदर फैटी लीवर की प्रॉब्लम आने लगती है, या फिर आपके अंदर विटामिन बी की कमी होने लगती है, ऐसे में खून की कमी होने लगती है, आपको थकान महसूस होने लगेगी, सांस फूलने लगेगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी, तो इससे आपको ये सारे फायदे मिल पाएंगे अगर आप गाजर का सही तरीके से सेवन करते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है चुकंदर। दोस्तों, चुकंदर खून की कमी को दूर करता है। अगर आपके अंदर जिंक की कमी हो गई है, मैग्नीशियम की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो इसके कारण आपको थकान और सुस्ती रहने लगेगी, आपके हाथ पैरों के अंदर दर्द होने लगेगा, घुटनों के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, चुकंदर आपके अंदर आयरन की कमी को दूर करेगा, आपकी सुस्ती और थकान को दूर कर देगा, और जो जिंक की कमी हो चुकी है उसको भी पूरा कर देगा, आपको एनर्जेटिक महसूस करवाएगा। इसके अलावा अगर आपको कमजोरी के कारण सांस चढ़ने लग गया था, थोड़ा सा काम करने पर आप थका हुआ महसूस करते थे, तो ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी चुकंदर का सेवन करने से। और इस चुकंदर का लास्ट फायदा जॉइंट पेन वालों को है। कभी कभार क्या होता है, आपके अंदर इतना ज्यादा आयरन लो हो जाता है, जिसके कारण घुटनों का दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी कमर के दर्द शुरू हो जाते हैं, तो इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए चुकंदर खाना काफी फायदेमंद है। अगली चीज की बात करें तो वो है टमाटर। टमाटर के अंदर लाइकोपिन होता है, जो लाइकोपिन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो दोस्तों आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। कभी कभार आपके पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, आपको मोटापा होने लगता है, आपकी शुगर गड़बड़ा जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पेट के कीड़ों की वजह से बाल झड़ने लगते हैं, जॉइंट पेन होने लगता है, ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं, तो टमाटर से दोस्तों एक तो पेट के कीड़े ठीक हो जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, जिससे आपकी जो नसें बंद हो गई थी उसके टॉक्सिन्स शरीर से बाहर होने लगते हैं। आपने इन तीनों चीजों का जूस तैयार करना है। दोस्तों, अगर आप इसे जूस के रूप में लेते हैं, तो इससे आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, आपका लीवर फंक्शन इम्प्रूव हो जाएगा, डाइजेस्ट सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस ड्रिंक को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, आपने एक गाजर लेनी है, आधा चुकंदर लेना है, एक टमाटर चाहिए। इन सभी को आपने अच्छे से धोकर इसको आपने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देना है, तीनों चीजों को, और इसके अंदर 1 कप पानी डाल देना है और मिक्सर ग्राइंडर को चला दीजिए। इस तरीके से 1 गिलास जूस का तैयार हो जाएगा। आपने इसे दिन में जरूर एक बार पीना है। चीनी, शुगर, मीठा किसी तरह का बिल्कुल नहीं डालना। जिस दौरान आप ये जूस ले रहे हैं, उन दिनों में, यानी कि आपने 10 दिन ले रहे हैं, आप 15 दिन ले रहे हैं, तो अगर आप उन दिनों में फास्ट फूड का सेवन करेंगे, तो जिस जूस को पीने के फायदे लेना चाहते हैं, आपको फायदे बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, ये जूस हमारे अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करता है। गाजर के अंदर शिलाजीत जैसे गुण होने की वजह से ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाती है, की कमजोरी को दूर करती है। आपको घुटनों का दर्द चल रहा है, आपके पीठ में दर्द चल रहा है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, तो इन सभी समस्याओं में आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपनी तरफ से मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।